हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू दैनल विदांतू एनसीआर टी सोल्यूशंस आई एम योर मास्टर टीचर कनिका एंड टूडे वी आर सोल्विंग चैप्टर नंबर टेन नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन राइट दैट्स द नेम ऑफ द चैप्टर एंड वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर फाइव फ्रॉम द एनसीआर टी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फाइव हमसे पूछ रहा है वॉट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं एलस्ट्रेट यूजिंग वन एग्ज़ाम्पल तो एक एग्ज़ाम्पल देख के हम यहाँ पर समझाएँगे वोट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ट्रांस मीन्स चेंज एंड जीनिक मीन्स जीन्स तो ऐसा बैक्टीरिया हमने जिसमें जीन्स को चेंज कर दिया है मॉडिफाई कर दिया है या फिर रिप्लेस कर दिया है न्यू सेट ऑफ डिज़ायर्ड जीन्स हमने जिस बैक्टीरिया में डाल दिए हैं उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हम कहेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दैट इज द यूज ऑफ ई कोलाय बैक्टीरिया इन प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन तो हमने ई e. कोलाय की हेल्प से राइट right, कुछ जीन्स इंट्रोड्यूस करा के उसमें ह्यूमन प्रोटीन बनाया है दैट इज इंसुलिन तो इसी के बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं दैट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया लेट्स राइट द सल्यूशन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया ज दी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया राइट क्या किया है हमने इस बैक्टीरिया में राइट इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद समिजायड जीन्स इट has बीन इंट्रोड्यूस्ड विथ सम desired जीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग कमर्शियल प्रोडक्ट्स फॉर प्रोड्यूसिंग कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑफ यूटिलाइजेशन प्रोडक्ट्स ऑफ यूटिलाइजेशन राइट हमने इसको इसीलिए मॉडिफाई किया क्योंकि हम इसको कमर्शियल लेवल पे यूज में लेना चाहते हैं देन सेकेंडली अगर बात करें राइट right? एग्जाम्पल इसका लें फॉर एग्जाम्पल E. coli bacteria E. coli bacteria has been used to produce has been used to produce human insulin human insulin jo ki kiska treatment cariculum use karte diabetes to treat diabetes right Clear to treat diabetes e coli genome this genome is inserted this genome is inserted with a and b peptides with a and b peptides to produce to produce peptide sequences separately पेप्टाइड सीक्वेंसेस हम अलग अलग ए और बी चेन्स बना के रख लेते हैं और लेटर ऑन उसको कंबाइन कर देते हैं टू प्रोड्यूस पेप्टाइड सीक्वेंसेस सेपरेटली दैट कैन बी लेटर कम्बाइंड टू फॉर्म इंसुलिन दैट कैन बी लेटर कम्बाइंड टू फॉर्म इंसुलिन ओके क्लियर सबको ये सोल्यूशन सो दिस इज वॉट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बैक्टीरियाज़ और उसका हमने एक एग्जाम्पल देख के भी समझाया कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर सम एप्लीकेशन ऑफ यू नो कमर्शियल प्रोडक्ट्स सो आई होप ये सोल्यूशन आपको क्लियर हुआ इफ इट इज़ सो हिट द लाइक बटन शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड रिमेन सब्सक्राइब टू चैनल विदानतू एन सी आर टी सोल्यूशन सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर